धूप निकलना शुरू हो गई है हल्की हल्की, और बजने लगा है 9। चाय है मुंडेला है समझे, आओ फटाफट आ जाओ। हाँ सायमा अजान उठो भाई, कब कल से स्कूल जाना रहेगा, जल्दी उठना रहेगा, सही हो जाओगे। आसान सो रहे हम, चाय फिर से चढ़ा दिया, कब चाय कम लग हो गई तुमने, फिर से चढ़ा दिया, ना चढ़ाया होते इससे अच्छा। ये हमने जो मंगवाया था कल पिज्ज़ा बेस, अब इसको जा रहे हैं बनाने नाश्ते में। और ये है, पहले पाउच वाला मंगाते थे पास्ता एंड पिज्ज़ा सॉस, ये बिब्बे वाला अजान दूसरी कंपनी का लेके आया फंडूस का, ऐसे हम वेब का मंगाते हैं लेकिन नहीं मिल रहा था तो ये ले आया है। और साथ में ये चिली फ्लेक्स है, और साथ में ये है ओरिगैनो जो कि बड़ी महंगी मिलती है और ज़्यादा यही यूज़ होती है हर चीज़ में। खैर फ़िलहाल हम इसको खोलते हैं पैकेट को और सब कुछ सजा लेते हैं यहीं पर रैक पर, और बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाएंगे मार्गरेटा चीज़ पिज़्ज़ा जो मिलता है मार्केट में वो ही बनाएंगे, मार्गरेटा चीज़ पिज़्ज़ा। और इसको बनाने के लिए ना इसमें कैप्सिकम ऑनियन टोमेटो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और ये सारी तीनों चीज़ें जो है, कैप्सिकम तो अजान को पसंद है और लेकिन हम लोगों को नुकसान करती है, जैसे कि हमको और सायमा को, और टमाटो तो किसी को भी नहीं पसंद है, इसलिए ना टमाटो ना अनियन ना कैप्सिकम कुछ भी नहीं डालेंगे। सिर्फ इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, साथ में लगाएंगे इसमें चीज़ डालेंगे, और बस एक पैकेट हमने चीज़ मंगवाया है, मोज़रेला और चेडार चीज़ मिक्स मंगवाई है। अब देखते हैं कि कम तो नहीं पड़ जाती, क्योंकि 8 पिज़्ज़ा बेस है और एक पैकेट चीज़ है, मेरे ख्याल से तो कम पड़ जाएगी। फिलहाल हम सॉस लगा लेते हैं, और ये जो इतनी तेज़ आवाज़ कर रही है ना, ये मेरी वॉशिंग मशीन की आवाज़ है, पता नहीं क्यों वॉशिंग मशीन में आवाज़ होने लगी है, और अच्छी खासी आवाज़ होने लगी है, और जब सन्नाटा होता है जैसे कि आजकल तो बहुत तेज़ आवाज़ करती है। खैर ये है मेरी चीज़ जो हम अभी आप लोगों को बता रहे थे, ये इसमें आपको कद्दूकस नहीं करना होता है, बस आप निकालिए और डालिए, हमको बहुत ही आसान लगती है ये वाली चीज़ डालने में। और मेन चीज़ ये कि दोनों चीज़ का टेस्ट आता है, चेडार चीज़ का और मोज़रेला चीज़ का, दोनों मिक्स रहती है तो अच्छा लगता है। खैर फ़िलहाल ये हम लगा रहे हैं सॉस, और पुप्पी की लड़की है, हमने कहा चलो बना के खिला देते हैं, हम लोगों को भी काफ़ी दिन हो गए बना खाए हुए पिज़्ज़ा, और मतलब घर में बना कर खाए हुए, और उन लोगों को भी बनाकर खिला देते हैं अपने हाथ का, हम तो पहली बार बनाकर खिलाएंगे। और सबसे मेन इसको हम जो है स्लाइस में काट के बनाएंगे आज, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज होती है लंबी लंबी, बिल्कुल उस तरीके से। सॉस लगा लिया है, अब इसको कट लगा लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसको कट कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, तो जब चीज़ डालेंगे ना तो ये सारी चीज़ ना उसके अंदर अंदर चली जाएगी, सॉस का टेस्ट उसके अंदर अंदर चला जाएगा तो अच्छा लगेगा, और चीज़ जो है कम हो गई है। तो फिलहाल अभी इतना डाल रहे हैं और फिर मंगवाते हैं, तो फिर और डाल के फिर बनाते हैं। फिलहाल अभी इसको डालकर और कर ले रहे हैं, बाकी जो है छोड़ देंगे। और बाकी मैं अभी अजान से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताओ किस में डालें और मंगवा लें तब बनाएं, या फिर इसी को ही बना लें, क्योंकि टाइम हो रहा है 10:30-11 हो रहा है, अब जाएगा लेने, लेकर आएगा फिर लेट हो जाएगा। फिलहाल हम सारी चीज़ें तैयार करके रख लेते हैं, फिर देखते हैं बाद में क्या होगा। और ये ओरिगैनो डाल दिया, साथ में चिली फ्लेक्स डाल दिया है, बस इसको बेक करना होगा। फिलहाल हम एक बेक कर ले रहे हैं और ख़ुद बेक करके खा ले रहे हैं, क्योंकि हमको लगी हुई है भूख, और फिर उसके बाद और मंगवाएंगे तो फिर और इसमें लगाएंगे, और फिर उसके बाद उसको बेक करेंगे और बना के सबको खिलाएंगे। फ़िलहाल अपने लिए कर ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, और फिर ये देखिए जब ये मेल्ट हो गई है तो थोड़ा सा तो कवर हो ही गई है, इतनी नहीं हुई है क्योंकि मार्गरेटा
पिज़्ज़ा में जो है ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है, और जब और कुछ नहीं डाले हैं तो चीज़ तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। देखिए इस तरीके से ज़्यादा ज़्यादा चीज़, मतलब बह के और अच्छी खासी पक जाए, जैसे कि उसको लाल लाल कर दे पक के बिल्कुल इस तरीके से। और जब ये पकी रहेगी ना तो अच्छी भी लगेगी और ज़्यादा सा चीज़ का मज़ा भी आएगा। तो ये अब सबके लिए बना ले रहे हैं और सबको पेश कर देते हैं और पूछ लेते हैं सबसे कि कैसा बना है। बताइए आप लोग कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है। ए खाने के लिए भेजा, कैची कैच कर रहे हैं। लगाओ पहले, तेल लग गया। लोग वीडियो बना सकते हैं। जैसे ही मैंने वीडियो उठाया वैसे इनकी आवाज भी बंद हो गई, तेल भी लग गया, अब टोपी भी चढ़ गई। किसका? फैजल का। कहाँ रखी थी? उसको टांगे लो जाओ, वीडियो अपलोड करके आओ जल्दी से। तो मेरा सामान आया है क्या आशा? हाँ खोलो देखें, खोलो, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है। क्या आया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। क्या क्या नहीं जा रहे हैं? अल्लू की तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल गई है। अभी डॉक्टर ने बताया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, निमोनिया शायद उसको हो गया है, और जा रहे हैं देखने क्या होता है। अभी पहले जाएंगे अम्मी के यहाँ, कंफर्म करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल में गई है, किसके कौन से डॉक्टर के यहाँ गई है, फिर उसके बाद जाएंगे। और कुछ काम भी है, गुड्डू सर ने कुछ काम के लिए बुलाया है तो वो काम भी करना है। चलिए चलते हैं। कि तुम जाओ पकड़ो ऊपर वाला, बस और थोड़ा सा। उसको छोड़ो पहले, हमको ले ले चले आ रहा। सोचा था स्कूल खुलने से पहले ऑफिस में नहीं आएंगे, लेकिन आना पड़ गया आज ही संडे को। इसको ठंड से बचाना, वही बार तो खुद ही कह जा रहा है। तो इंजेक्शन लगा? बंद कर दिए, थोड़ा गर्म करती थी। इंजेक्शन लगा? हाँ, दवा होते इंजेक्शन चल रही थी। नाम कब से ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है। नकाब ओढ़ के आई है हसनैन को देखने। उनका चले पहले हसनैन को देख लें कि कैसी तबीयत है। हेलो क्या भैया, तब्बू ठीक है? से बैठे हैं ना, इनका ठीक दिखाई दे रहा है। हाँ गुस्से बैठे थे ना, सही नहीं लग रही है। टोपी नहीं होता जी, टोपी नहीं होता रो। अम्मी की फेवरेट चाय। अच्छा काजी है वो, नींबू है। कलर कितना खूबसूरत हो जाएगी। क्या पता था कि शबनम आ जाएंगी, नहीं तो सोचा था कि शायद मेरी अम्मी इस टाइम भी भूखी रहेंगी। वो लगा ना ये अच्छा, इसकी अरे नहीं भाई, हम आए थे पहले ही हॉस्पिटल जाने के लिए,
फिर अम्मी को पता चला कि वहाँ चली गई, फिर पता चला कि यहाँ आ रही है, तो बस यहाँ तक आते थे गुड्डू सर का फोन आ गया। हेलो अम्मी, हमें कई बार घबरा घबरा फोन की, हम जब तक आते आते गुड्डू सर का फोन आ गया, उनका काम करने लगे। फिर फोन की स्विच नहीं लगवा रही, हमको लग रहा है एडमिट करेंगे। फिर हम मम्मी फोन किया, देखिए गई है तो पकड़ लीजिए, देखो दादी आई है, देखो ऐसा आई है बच्चा मेरा, परेशान हो गया, तभी खराब हो रहा है, तभी पढ़ के फूंक दे अच्छा, जाने दिए फिर अभी ले लेते हैं। मैं जूस आ गया, चढ़ के बज गया है घर आते आते साथ, और जल्दी से जल्दी नमाज तो वहाँ पढ़ लिया था अलीशा के घर, लेकिन पंसूरा नहीं पढ़ा था। अब ईशा का भी टाइम हो गया, अजान खड़े हो गए ईशा पढ़ने के लिए, और हम बैठे हैं पंसूरा पढ़ रहे हैं, और आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा, और अल्लू के लिए ज़रूर से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको शिफा दें।